यो 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 वेलकम बैक इन हाउस फ्लिपर। बहुत दिनों के बाद हाउस फ्लिपर में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन हो चुके हैं क्या, पता नहीं, मैं बहुत दिनों के बाद खेल रहा हूँ। यहाँ पे अपना घर तो ठीक है, मेरे को दूसरा घर भी लेना पड़ेगा लगता है। यहाँ पे क्या है, एंड डेनिस, इन लोगों का काम क्या है, ऑल आउट। अब ये ऑल आउट क्या है, तो ये बंदे का काम ये है कि इनको ना दादी का घर मिल चुका है और उनको ना सफाई करनी है, थोड़ी बहुत ना रेनोवेशन करना है, और दीवार वगैरह है बीच की जो वो पार्टीशन पड़े हैं वो निकालना है कि वो जोड़ना है, मेरे को देखना पड़ेगा, और बाकी का काम जाने के बाद ही करेंगे। ओ घर तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, नाइस ओपी, मतलब हाँ ऐसे घर अच्छे लगते हैं, मेरे को भी ऐसा ही घर बनाने का है। ओ भाई बाहर से देखो कितना ओपी वाला घर लग रहा है, सही है सही है, मतलब हाँ कलर वलर ओके। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लोड पड़ रहा है पीसी गेम को, मैंने शायद से पहले यह काम किया है। ओह इंटीरियर देखो गाइस, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे दीवार तोड़नी है, यहाँ पे मेरे को रूम बनाना है, दीवार तोड़नी है, ओके नाइस सही है। ओ भाई डाइनिंग टेबल भी है, पहले ना क्लीनिंग की ज़रूरत है और कुछ नहीं, बाकी के घर। ओ ये रहा हमारा लिविंग रूम, ओपी काफ़ी बढ़िया सजा के रखा है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, पार्टीशंस है और बाकी का काम तो ठीक ही है। यहाँ पे सबसे पहले सेल ऑब्जेक्ट्स, दो चीज़ें बेचनी है, ये सोफ़ा बेचना है, ओके सोफ़ा ग्राइंड बेड, ओके ठीक है चलो जल्दी से ना निकालते हैं और बेच देते हैं सामान। सोफ़ा ओके ठीक है, और इसको भी बेचने का है क्या, हाँ दो चीज़ें तो मैंने बेच दी, डबल बेड एंगेज। ओह तो ये हमारा रूम है, मेरे को लगा था ये अपना लिविंग रूम है लेकिन नहीं। चलो यहाँ पे रेड कलर अच्छा लगेगा, तकिए का कलर ब्लू रखते हैं ना, वाइट रखते हैं क्या, रेड रेड ही लेना पड़ेगा। और ये कॉच का ना डबल बेड का ये कलर ठीक है, और रेड रेड वुड लूँ कि कौन सा कलर लूँ, ग्रे ग्रे अच्छा लग रहा है। चलो और कुछ कस्टमाइज मैं देख सकता हूँ क्या, ओह ऐसा करके घुमा के भी देख सकता हूँ ना, इसमें मतलब ठीक ही लग रहा है, इसी को लेते हैं। और यहाँ पे कोने में ना रख देते हैं, ओके साइड में लग रहा है, अच्छा बात है अच्छी बात है अच्छी बात है, और बीच में भी नहीं लग रहा, ओके तो यहाँ का काम तो हो चुका है। अब अपने को ना पार्टीशंस है जिसको तोड़ना है, ऐसा ही है कुछ, हाँ ये रहा यहाँ पे तोड़ना है, जल्दी से मैं ये दीवार ना तोड़ देता हूँ। डेमोलिश डेमोलिश वाला किधर गया, ठीक है चलो ये वाला तोड़ना है, चलो ये तो टूट चुका है, मेरे को यहाँ पे क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, ओके ठीक है। ये एपिसोड में कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, बस अपडेट जैसा होता रहेगा, क्लीन क्लीन भी नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लानी है और बेचनी भी है, पर क्लीन करना है वो भी है, दिक्कत तो वही है कि हम ना क्लीन करना भूल जाते हैं कभी कभार, मतलब मैं भूल जाता हूँ। और गैस के ऊपर भी है क्लीन करना, यहाँ पे भाई कितनी जगह पे क्लीन करना है मेरे को, यहाँ पे कौन सी चीज़ पे क्लीन करना है, क्लीनिंग क्लीनिंग, ओह नीचे नीचे लग चुकी थी जंग, झाड़ू इतना पावरफुल है कि जंग को भी निकाल देता है, नाइस। फ्रेम लगानी पड़ेगी क्या, ओके लिविंग विद द किचन ठीक है, ये दोनों तो ठीक हो चुका है। यहाँ पे मेरे को बेचना भी है सामान, जल्दी से बेच देते हैं, ओके दो चीज़ें हो चुकी है। बाय ऑब्जेक्ट वेल माउंटेड टीवी, वॉल माउंटेड टीवी, वेल नहीं वॉल वॉल, ओके तो यहाँ पे लगानी पड़ेगी टीवी, तो ये आगे के साइड में लगा सकता हूँ आसपास, हाँ यहाँ पे लगा सकता हूँ ना, क्या ही दिक्कत है। चलो टीवी को हम लगा देते हैं यहाँ पर, ओपी ओके। और कुछ, और यहाँ पे कॉर्नर सोफ़ा, सोफ़ा भी लेने का है, रेड कलर का ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ना थीम ही है रेड कलर की। ओह ये ग्रे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, वाइट यहाँ पे डार्क, ये ब्लैक रखते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, ओके फुट नीचे के जो है उसको थोड़े से ब्लैक रखते हैं,
ओके, रेड एंड ब्लैक, ये काफ़ी अच्छा है। रेड एंड ब्लैक में ही अच्छा लगेगा। सोफे को तो हम यहाँ पे रखते हैं। ओके ओके, नहीं रख सकते यहाँ पे, इधर ही रखना पड़ेगा कहीं पे। मैं ये सारी चीज़ें पहले हटानी पड़ेगी मेरे को, तभी जाके लगा पाऊँगा। ठीक है, सोफ़ा लग चुका है यहाँ पे ये। ओके भाई, ये इसको बीच में लगाना है, नाइस। और ये यहाँ पे ना अब टेबल भी लग जाएगी। ओके, काफ़ी बढ़िया, सेट हो चुका है सब मामला पानी। थोड़ा सा आगे रखते हैं, थोड़ा सा। ओके, तो बीच से हम जा भी सकते हैं, सभी जगह से जा सकते हैं। और यहाँ पे काम तो अपना हो चुका है, बाकी का काम करना कहाँ पर है? ये तो बाहर का रास्ता है, बाहर तो अभी फिलहाल जाने का नहीं है, और बंकर में जाना है। ओके, बंकर का भी काम है। वाओ, झाड़ू वाड़ू तो नहीं मारना है यहाँ पे, अपने को सेल ऑब्जेक्ट से करना है। ये भी बेच लेते हैं बाहर। अब यहाँ पे झाड़ू का ऑप्शन चाहिए। ओके, तो हाउस फ्लिपर में ना बहुत बहुत अपडेट आ रहे हैं। वैसे फ़िलहाल के लिए तो ठीक है, अपडेट नहीं है। अभी तो हेलोवीन वाला अपडेट आ गया था, अभी क्रिसमस वाला अपडेट आया है। और यहाँ पे मेरे को सारी चीज़ें निकालनी है, बेचनी है, जल्दी से मैं बेच देता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे कचरा वचरा तो निकाल दिया है, जाले वाले भी निकाल दिए हैं। बस ये टेबल वेबल ना पता नहीं क्यों ऐसे ही यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं। नाइस, काफ़ी बढ़िया। ये वाले कबर्ड को ना ऐसे ऐसे अच्छा लगेगा, इसके बाजू में यहाँ, हाँ इसके बाजू में अच्छा लगेगा। और ये वाले ना, ओके, ये वाले टेबल को थोड़ी अंदर कर देंगे, फिर ये वाले टेबल को भी थोड़ा सा ना अरेंजमेंट हो जाएगा सीधा। ओके, कूल कूल कूल। ये सारी चीज़ें बेचनी थी मेरे को लगता है, तीन। ओके, तीन चीज़ें तो बेचनी थी। नाइस, पेंट विद द कलर्स ग्रे। ओके, ग्रे कलर में करना है, ग्रे मीडियम लेते हैं, और ग्रे एंड ग्रे फ्रॉग। ओके, ग्रे एंड ग्रे फ्रॉग दो कलर चाहिए, मीडियम मीडियम के, दो दो दीवार में कर देता हूँ, ये वाली और ये वाली, सामने आमने सामने वाली दीवार ना कर दे देंगे। जल्दी से मैं कलर कर लेता हूँ भाई, कलर में ज़्यादा टाइम लगता है, बस बोलने में टाइम नहीं लगता है, कलर करने में ज़्यादा टाइम लगता है। चलो, बाकी की ये दो दीवार बची है जिसको कलर करके ना हमारा काम आधा तो खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कलर हो चुका है, जो कि ये डब्बे पड़े हैं इसको बेच देता हूँ फिर से, ताकि अपने को ना वैसे भी काम नहीं है। ओके, कलर लगाने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ट्यूबलाइट ही है ना, पता नहीं क्या है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी लगानी है। ओके, ये तो हो चुका है, फ्लोर फ्लोर लगाना है। फ्लोर के ऊपर यहाँ से डायरेक्ट खींच के ले जाते हैं, और ओ नाइस भाई, इसकी लुक देखो कितनी बढ़िया लग रही है, चमक गया भाई, चमक गया। बहुत सारी चीज़ें लगानी है, ये दो तीन चीज़ें, आर्टिस्ट नोट, क्या डेस्क, ये तो हम कोने में ही लगा सकते हैं, कोने में ही लगाते हैं। चलो ना, जो भी होगा देखा जाएगा फिर। गेमिंग रूम, गेमिंग रूम बनाना है क्या मेरे को? चेयर ले लेते हैं, रख दी है भाई, सब कुछ मैं लगा देता हूँ। ओ पीसी, गेमिंग पीसी टावर, यहाँ पे कौन सा प्रोसेसर लगाया हुआ है? रेड कलर का थीम है पक्का। टेबल के नीचे रख पाऊँगा ना मैं यहाँ पे, नीचे तो ठीक है, अगर अच्छा लगेगा ना तो ऊपर ऊपर रख देते हैं। चलो ऊपर ही अच्छा है, अपना ना पीसी दिखना चाहिए कि ऐसा कलर का है। दो मॉनिटर चाहिए, मेरे पास दो मॉनिटर नहीं है, लेकिन ये बंदा दो मॉनिटर में खेलेगा गेम। वाओ, काफ़ी बढ़िया, मॉनिटर हो चुका है इसको। अरे, ई टू फ्लिप, ई टू यूज़, ई टू यूज़, हेलो, यूज़ ही नहीं हो पा रहा मेरे से। ठीक है भाई, तुम लोग स्ट्रीमिंग गेमिंग करो, मेरा तो अभी दिक्कत है। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी चाहिए, कीबोर्ड, अरे टेबल पे आ तो जाएगा ना। ओके, माउस, माउस भी चाहिए, माउस माउस पैड भी चाहिए, फिर
अरे रेड कलर का थीम है तो रेड कलर का, अरे आरजीबी भी रख सकता था यार मैं कीबोर्ड के जैसा। चलो कोई ना, माउस भी इधर रख लिया। अपना मॉनिटर ना थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, सोफा सोफा ओर्क सोफा पीछे वाले बंदे के लिए, यहाँ पे सोफा रख देते हैं। टेबल वेबल तो पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या तो टेबल ना आगे ले लूँगा मैं। ये वाले डेस्क ज़रूरत नहीं है वैसे, चलो ये वाले डेस्क को ना हम यहाँ पे रख देते हैं। अरे फिर से वापस निकल गई। ठीक है, सोफ़ा यहाँ पे और ये वाली टेबल इसके आगे, ताकि यहाँ पे ना अपने को किसी को भी कुछ खिलाना पिलाना हो तो सामान हम यहाँ पे रख देंगे। और पीछे से ये लोग बंदे भी ना देखते रहेंगे। कंट्रोलर है, दो कंट्रोलर है भाई, फुल आरजीबी वाला क्यों नहीं है। ओ कस्टमाइजेशन, यहाँ पे वाइट वाइट एंड ब्लैक, ये काफ़ी ओपी है। इसके बाद ना, अरे कंट्रोलर का हम कहाँ पे रखे, कंट्रोलर का एक कंट्रोलर का यहाँ पे रखते हैं। दूसरा कंट्रोलर ना अपने लिए लेना है वो, ये वाला वाइट और ये वाला ब्लैक। ओके, PS4 एंड एक्सबॉक्स दोनों का लग रहा है। यहाँ पे ये क्या है, रेक्टिफ लैंप, लैंप लगानी है। ओके ठीक है, फ्रेम तो वाइट ही रखते हैं हम। लैम्प ओके, इसको यूज़ कैसे करें हम, यूज़ करने का तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर क्या फ़ायदा, यूज़ करने का ऑप्शन ही नहीं है तो फिर चलो जो भी है बाद में ऑप्शन आएगा। ये लोग करते रहेंगे काम, बस दो दो लगाने थे, एक आगे एक पीछे, ओपी। चलो बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे वॉल माउंट टीवी, टीवी कहाँ पे लगाऊँ, टीवी यहाँ पे लगाएंगे ताकि हम पीसी के बाजू में ही है ना, तो PS5 भी या PS4 भी खरीद के रख सकते हैं। यहाँ पे ये कौन सी लाउड स्पीकर स्टैंड हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। ओके स्पीकर भी है, स्पीकर को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। हाँ ठीक है, चलो बाद में एक दूसरी टेबल यहाँ पे वो बंदा आके, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वाला स्पीकर है। ये सब पीछे नीचे ही रखना पड़ेगा मेरे को, इतनी सारी चीज़ें बंदा करना क्या चाहता है। दो चाहिए थे, पहले ही बोल देते साथ ही में ले लेता, मेरे को पता भी नहीं था ये कितनी चीज़ें चाहिए। दो चाहिए ये भी, ठीक है दो चीज़ें लेनी है। स्पीकर फेज फेज, ओके ग्रे एंड ब्लैक, ओके ये वाला अच्छा है। अब यहाँ पे फेज फेज, नाइस दो दो, फिर वो अपने आप ना कस्टमाइज़ कर लेगा। कॉन्सोल फेज ठीक है, कॉन्सोल के लिए भी अलग है भाई, ऊपर रख सकते हैं क्या, ऊपर आ जाएगा, आ जा ऊपर आ जा। अरे ऑप्शन तो दिया हुआ है ना, आना ही पड़ेगा इसको। ठीक है ओके, तो अपना काम हो चुका है पूरा का पूरा। और यहाँ पे ना गेमिंग सेटअप बोलो, रेटिंग दो 1 से 5 में, मेरे को लगता है यहाँ पे ना एक दो एक मिलेगा यार, 5 स्टार नहीं मिलेगा। कुछ बेचने का है क्या, ये बेच सकता हूँ क्या, मैं बेच सकता हूँ तो ठीक है बेच देते हैं। ओके ठीक है भाई, नहीं यहाँ पे जितना काम दिया है ना उतना ही करो तुम। ओके तो यहाँ पे दादी का घर बहुत ही ओपी तरीके से ना डेकोरेट हुआ था, और यहाँ से हम अभी निकलते हैं और दूसरे घर में जाते हैं क्योंकि बहुत सारा काम है। इसको कहते हैं हम एग्ज़िट। चलो कंप्लीट हो चुका है अपना काम, इनकम हो गई है 21,000। कंप्लीट करते हैं और दूसरे मिशन पे चलते हैं। मेरे को लगता है अपना घर ना, अपना घर भी बदलना पड़ेगा, उसका भी टाइम आ चुका है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे जितने भी मेल आए हैं ना, अचीव बहुत सारे बंदे लोगों का मैंने काम कर लिया है यहाँ पे, 100%, 92%, 85%। ये पता नहीं क्यों इन लोगों का काम मैंने कर तो लिया था, ये सेव नहीं हुआ था क्या। अरे दूसरे पर जाना ही नहीं मेरे को, वो लोग अपना देख लेंगे, अपने को चाहिए बहुत सारा काम। ठीक है यहाँ पे बहुत सारे बंदे लोग ना यहाँ पे इनके घर पे आने वाला है, तो इनको डेकोरेशन में और बहुत सारी चीज़ें लानी है, उसमें हेल्प चाहिए। तो जल्दी से हम जाते हैं क्योंकि हमारा काम ही है वही, हेल्प करते हैं और आ जाते हैं तुरंत। पर यहाँ पे ना ये गेम की लोडिंग स्क्रीन बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों, ये पीसी टू पीसी वेरी करता होगा कि पता नहीं। ओके ये वाला घर देखो भाई, रेड, ये वाले घर पे मैं पहली बार आया हूँ, मेरे को भी नहीं पता कि मैं पहले आया था कि नहीं आया था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अपना रिकॉर्डिंग चालू तो है ना,
क्योंकि मेरे को पता है कल गैस स्टेशन का ना मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था बटन। भाई एक आधे घंटे तक मैं बोलता ही रहा था, और वो वाली गेम प्ले वीडियो अभी आ गई होगी, लेकिन वो दूसरी है। उससे पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें बहुत बोल बोल किया था मैं, फिर दिक्कत हो गई, मैंने रिकॉर्ड बटन ही नहीं दबाया था। क्या कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं, दूसरी बार फिर मैंने बनाया, तब जाके अपना काम होगा। ओ यहाँ पे कितना भाई कचरा वगैरह हमारे लिए रखा था भाई, इसीलिए इन लोगों ना प्रोफेशनल मेरे जैसे बंदों को बुला लिया है, ताकि ये हम ना आके पूरा क्लीन कर सके। भाई ये क्या क्या पड़ा हुआ है, खाना बासी, मेहमानों को ये खिलाते ये लोग। चलो अच्छी बात है कि हम आ चुके हैं, और हम ना अभी यहाँ पे पूरा काम करके जाएंगे, मतलब काम हम करेंगे और शाबाशी ये घरवा ले लेंगे। तो चलो हम ना पैसे तो ले जाएंगे, ताकि कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में तो कर नहीं रहे हम भी काम, इसका कोई दिक्कत नहीं है, हमारे नाम पे ये लोग शाबाशी खाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके यहाँ पे और कुछ क्या है, टीवी, टीवी को भी रिमूव करना है क्या, टीवी के ऊपर जो फोटो पड़ा है वो रिमूव करना है। ओके सेल सेल ऑब्जेक्ट्स, कितनी सारी चीज़ें मेरे को बेचनी है, जितनी बेच सकता हूँ बेच देता हूँ। ओके तो किचन नाइफ स्टैंड, यहाँ पे किचन में भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, किचन और बेडरूम ना अलग अलग है, तो मेरे को यहाँ पे अलग अलग काम करना चाहिए, क्योंकि मैं ना बेडरूम से किचन, किचन में बेडरूम में से होता रहता था, तो तकलीफ़ पड़ जाती थी। नाइफ भी एक बाहर लगा दी है, और टी पॉट को इस तरफ रखते हैं, ये हम गैस के ऊपर ही रखते हैं, ताकि गैस के ऊपर ही अच्छा रहेगा। और आ जा, ठीक है काफ़ी बढ़िया। और यहाँ पे ये क्या है, हैंगिंग ऑफ द सो स्पून, ठीक है चलो इन सारी चीज़ों को हम कहाँ पे लटका सकते हैं। ओके यहाँ पे फिलहाल तो लटका नहीं सकते, जगह ही नहीं बची इसके लिए तो लटकाने के लिए। ओके यहाँ पे एकदम साइड में लटका देता हूँ, इसके बाजू में तो कुछ हो पाएगा, यहीं पे रखते हैं, क्योंकि ये जगह बाजू में ही है, तो डायरेक्ट जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी वो ले सकते हैं। हैंगिंग टॉवल, टॉवल को हम यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे रखने के लिए भी जगह नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते भाई, टॉवल के लिए तक जगह नहीं है, ऐसी तो हमारी लग चुकी है वाट। ओके ये दो चीज़ें भी मैं बेच नहीं सकता ना, वरना यहाँ पे ऊपर लटका सकता हूँ, चलो ऊपर से ही खींच के उतार लेंगे नीचे। ब्लैक कंटेनर तीन चाहिए, कंटेनर ठीक है, एक दो तीन, बाकी का काम चलो यहाँ पे किचन का काम तो यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ओके यहाँ पे ये सारी चीज़ें शायद से नहीं चाहिए थी, मैं ये बेच सकता हूँ तो बेच देता हूँ। ओके और ये भी बेच सकता हूँ, बेच देता हूँ ये। ओके ये वाला किचन एरिया यहाँ पे तो चाहिए ही, यहाँ पे तो चाहिए ही, चलो तो यहाँ पे एक येलो है ना, तो एक ब्लू रखते हैं, ताकि अपने को मस्त दिखे। ओके पास पास में ही ठीक है, हैंगिंग, ओह यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें चाहिए, हैंगिंग न्यू क्या बोल सकते हैं इसको हम, चलो कोई दिक्कत नहीं, चाबी लटकाने के लिए चाहिए, और कुछ नहीं है, चाबी लटकाने के लिए चाहिए, बाकी मिरर वाला है। ओके ब्लैक और कलर्स बहुत ही बढ़िया, वाइट कलर ही चाहिए अपने को, क्योंकि वाइट कलर ही होगा ना तो भी अच्छा लगेगा, और मिरर वाला है तो ये थोड़ा सामने रखते हैं। ओपी 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 आमने सामने काफ़ी बढ़िया है। लैंप भी चाहिए, लैंप भी यहाँ पे ग्रे कलर का रख देते हैं, ग्रे वाइट, वही ओपी लग रहा है। ओ भाई मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा ना, मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता। कैट पम्पकिन हेलोवीन के लिए चाहिए होगा, कैट पम्पकिन कोने में रख सकते हैं, कोने में भी नहीं रख सकते, यहाँ पे रख सकते हैं, नाइस आ गया। ओपी दो चाहिए, ओके मीडियम साइज़ का ही लेते हैं, और इसको इसको यहाँ पे रख देते हैं थोड़ा सा आगे। ओ नाइस, क्योंकि हम दूसरे एरिया में कुछ कर भी नहीं सकते। रेड येलो, ओके रेड ऑरेंज येलो,
इन सारे कलर का लेते हैं हम बाकी का काम। ओके, मेरे को लगा था यहाँ पे काम अपना जल्दी से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ पे बहुत दिक्कत वाली बात है। कितनी सारी चीज़ें चाहिए थी, अभी तीन चीज़ें चाहिए हैं। हैंगिंग बैनर्स ये दरवाजे के ऊपर लगा देते हैं, पहले दरवाजे पे हुए तो ये यहाँ पे, दूसरे दरवाजे पे, यहाँ पे तीसरे दरवाजे पे लगना भाई। ओके, तो यहाँ का काम भी ख़त्म हुआ है, किचन का काम भी ख़त्म हुआ है, अब लिविंग एरिया का बाकी है। लिविंग एरिया का ना जल्दी से काम कर लेता हूँ मैं। और किचन में ना अपने को ज़्यादा वो चाहिए नहीं था टेबल, मैं गलती से ज़्यादा टेबल और वो डाइनिंग टेबल वगैरह ना ले आया, दिक्कत तो इसी बात की है। ओके, स्मॉल किचन, किचन के लिए चाहिए ही नहीं था, रूम में जितना भी सामान चाहिए था ना बस अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। रूम बना के रखा है, जो कि रूम तो यहाँ पे है भी नहीं, मतलब रूम जैसा लग नहीं रहा। ठीक है, मेरे को लगा था टेबल नहीं चाहिए, लेकिन टेबल चाहिए था। वाह भाई वाह, पता भी नहीं चला मेरे को कि यहाँ पे टेबल की भी ज़रूरत है। तीन और ये चार, अरे आ जा, मेरे को ही हटना पड़ेगा तभी जाके होगा ऑप्शन। ओके, इतनी इतनी चीज़ें में मैं कहाँ कहाँ फिट करूँ यार, बहुत सारी चीज़ें। ये लिविंग रूम, लिविंग रूम, लिविंग रूम की तो हालत पतली हो चुकी है। ओके चलो भाई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है हालत भाई। डाइनिंग टेबल भी हमको सजानी है, अब डाइनिंग टेबल पे बहुत सारी चीज़ें रखनी है। यहाँ पे रेड कलर ही मैं यूज़ कर रहूँगा, ये पिंक कैसे हो गया था मेरे को पता नहीं था। ये सारी चीज़ें ना अपने को यहीं पे लगानी है। और भाई साहब, हॉट कुकी, कुकी को भी रखना है, जो कि एक प्लेट में रख लेते हैं, सारे बंदे को देना है मेरे को। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे को, हेलोवीन कुकी भाई, एक एक प्लेट में एक एक चीज़ें रख लेते हैं, अपने को ही फायदा है। कपकेक, मैं बोलूँगा इसको कपकेक ही, ये तो हम टेबल पर रख सकते हैं ना। एक कितने चाहिए, आठ, आठ ठीक है, चार चार रख सकते हैं, तीन चार, बाकी के बंदे ना आपस में बांट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे को करनी है। तो यहाँ पे ना टेबल पे जगह कम पड़ रही है, टेबल दो चाहिए था। टीवी रिमोट, अब टीवी लगाया ही नहीं है तो यहाँ पे टीवी रिमोट का क्या काम, टेबल पे रख देते हैं यहाँ पे, डीवीडी के ऊपर ही। डीवीडी भी मैंने लगाया है यहाँ पे, लैंप भी लगाना है फिर से ऊपर की साइड लगा लेते हैं, लग जा, यहाँ पे लगा लेते हैं, बाजू में ही नहीं लग रहा ये, थोड़ा दूर लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है चलो, मेरे को टीवी भी लगाना है, लेकिन टीवी मैं कहाँ पे लगा सकता हूँ, हाँ टीवी लगा सकता हूँ यहाँ पर। ओके, चेयर को हटा के यहाँ पे टीवी लग दूंगा मैं, बाकी का सामान भी उसके ऊपर ही रख देंगे। सबसे पहले टीवी स्मॉल, क्योंकि ज़्यादा बड़ी, ओ स्मॉल भी कितनी बड़ी है टीवी भाई। नोटिस करने वाली बात यह है कि स्मॉल वाली टीवी मैंने ली, वो भी कितनी बड़ी लग रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बाकी का सामान मैं रख देता हूँ। गिटार भी लगाना है, दीवार पे लगा दिया गिटार को, यहाँ पे कैट स्मॉल एक्सेल, ओके स्मॉल साइज की चाहिए, सुपर कैट, कैट कैट को तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। हेलो किटी कैट, दो लगा देते हैं। ठीक है चलो, फिर क्या चाहिए हमको, डॉग चाहिए, डॉग लार्ज स्मॉल चाहिए भाई, स्मॉल वाला ही चाहिए, दो डॉग्स। तो यहाँ पे ये वाली खिड़की पे ना अब किटी कैट थी, तो यहाँ पे डॉग, भौ भौ करने वाला डॉग। ओके, और कौन सी चीज़ें चाहिए यहाँ पे, स्कल्स, मीडियम टाइप का स्कल्स ले लेते हैं, जो कि एक बीच में रख देता हूँ और ये वाली खिड़की के ऊपर एक बीच में रख देता हूँ, ताकि ओ डेकोरेशन में काफ़ी ओपी लगे। मीडियम साइज़ का ले लेते हैं, और हेलो कहाँ गया हार, हार हाथ में आया नहीं है, कहाँ नीचे लटक रहा है, ये नीचे ही लटकाना है क्या, हेलो नीचे, नीचे के लिए चाहिए, मेरे को लगा नहीं था ये ऐसा कुछ नीचे भी चाहिए होगा।
चलो चलो नीचे ही। ओके ऑरेंज क्या? और नहीं रेम ग्लास। नाइस, चारों के चारों बुक्स यहाँ पे रख दिए मैंने। ओके तो यहाँ पे फिलहाल के लिए यहाँ पे सेलिंग टू लैम्प्स, सीलिंग टू लैम्प्स, हाँ हाँ सेल ऑब्जेक्ट्स, दो चीज़ें बेचनी है मेरे को। ठीक है चलो, आखिरकार ना जो भी यहाँ पे लिविंग रूम का काम था वो तो मैंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे बहुत टाइम लग गया है भाई, बहुत टाइम लग गया है, इसी बात पे लाइक मार दो, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें मेरे को और भी करनी है। यहाँ पे छोटू बच्चे का रूम भी क्लीन करना है जल्दी से, मैं यहाँ पे ना डेकोरेट करके आप सभी से बात करता हूँ। ओके तो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट अपना रेडी हो चुका है ये वाला रूम। यहाँ पे है अपना डाइनिंग टेबल, वार्डरोब, सब कुछ है। और यहाँ पे अपना ना पिक्चर भी लगा लिया है, यहाँ पे कैट की फ्रेम लगाई है, खिड़की भी क्लीन हो चुकी है। अब यहाँ पे ना वॉल को अपना कलर करना है, और मॉडिफाई वॉल्स यहाँ पे 63, दोनों को मिला के 63 में करना है। ओके जल्दी से मैं ना ये काम कर लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे ना अपना रूम का तो हो चुका है काम। यहाँ पे अपना बेड भी थोड़ा हटाना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ना वॉलपेपर लग नहीं रहा था। ओके काफ़ी बढ़िया लग रहा है रूम, इसी बात पे एक लाइक मारो, क्योंकि जाते टाइम लाइक नहीं मारता कोई। यहाँ पे दो चीज़ें अभी मेरे को क्लीन करनी है, बहुत सारी चीज़ें क्लीन करनी है, दो चीज़ें भी नहीं। यहाँ पे जल्दी से अपना कोटा ख़त्म हो ना तो जल्दी से निकल जाऊँगा, क्योंकि अपने को ना ज़्यादा काम करना नहीं है। फोकट के ये लोग ना पैसे अपने से ही वो करवा रहे हैं। चलो यहाँ का ना कलर्स तो हो चुका है, मेरे को यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है भाई प्रॉफिट ही नहीं हुआ कुछ। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट नाम की क्या चीज़ है वो भी नहीं पता चल रही यहाँ पे, तो बहुत ही बकवास हो रहा है काम यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही बकवास काम चल रहा है। चलो यहाँ पे काम हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें ले ली है मैंने। यहाँ पे बाथरूम पे वाइट कलर ब्लू कलर ओपी कॉम्बिनेशन, ठीक है चलते हैं यहाँ पे बाहर। और यहाँ पे थोड़ा बहुत कलर करना बाकी था, लेकिन वो चल जाएगा। यहाँ पे रूम को ना मैं क्लीन करके चलता हूँ, बाकी तो पूरा काम हो ही गया है। चलो तो यहाँ पे ना अपना काम हो चुका है, और यहाँ पे बहुत सारा काम करने के बाद भी 5,000 मिला, इसीलिए यहाँ पे आधा अधूरा काम, मतलब काम तो कंप्लीट हो ही गया है, बस 100% नहीं हुआ है। जितना उसका डिमांड था उतना काम मैं करके आ चुका हूँ। और आज का गेम प्ले वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक मार के जाइयो। मैं मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वाले मज़ेदार गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो। Words spill out of your mouth, you